अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बाबा जी की मोहब्बतों का कर्ज माने आया, उनके कहे हुए अल्फाज आज के लिहाज से मेरे कान में गूंजते। एक जमाना था मैं रियलिटी के बनने पर बड़ा हैरान था। मैं कहता था मेरे मुल्क में खत्म नबूवत का मसला ही कहाँ है। लेकिन बाद में जब मैंने रियासतों की शोरशें देखी तो मुझे पता चला कि बाबा जी ठीक कहते हैं। मैं वो जलाली तकरीरें नहीं कर पाऊंगा जो मेरे यहाँ इससे पहले आलम करके गए हैं। मैं उनमें से कई बातों से इत्तफाक भी नहीं करता। मैं कभी नहीं मानूंगा कि इस्लाम तलवार से फैला था। मैं आज भी आपके हाथ जोड़ के कहता हूँ, कोई ऐसा गोरी रात कीजिए कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक झंडे तले इकट्ठे हो जाएं। हमें दलील से तबलीग से इस्लाम को फैलाना होगा, और जहाँ दलील बाकी नहीं रहती वहाँ तलवार उठाई जाती है। मेरे नबी ने जितनी जंगें लड़ी हैं वो जंगियों पर मुसल्लत की गई। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ पढ़िए और जानिए कि किसी मुसलमान का किसी मुसलमान को इज़ा पहुँचाना खुदा के लिए इंतहाई तकलीफ दे है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ी बड़ी तकलीफ दे है। और इसी तरह बाबा जी जो आपको यहाँ तक ले के आए हैं इसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए भी बड़ी तकलीफ दी। अल्लाह के वास्ते अपने बीच में यगानगत पैदा कीजिए, तरक्की और प्रोग्रेस की तरफ जाइए। आज ये जो मोबाइल दिखा रहे हैं ना, ये किसी मुसलमान ने याद नहीं किए हुए, इन्हीं को बैठ कर गालियाँ दे रहे हैं आज हम। खुदा के वास्ते इनसे इनके तसल्लुम से छुटकारा हासिल करने का एक ही तरीका है, इजादात कीजिए, आगे बढ़िए। भिखारियों ने ना कभी कोई चीज़ ईजाद की है, ना कभी कोई इनोवेशन की है, ना उन्होंने कभी कौमों और उम्मतों को कोई फ़ायदा दिया है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मानने वाले हो, खत्म नबूवत के मानने वाले हो, तो मैं आपको अच्छी तरह समझा दूँ ये बात। बाबा जी एक प्रोग्रेसिव आदमी थे। अल्लाह के वास्ते आगे बढ़िए, पढ़िए, लिखिए, इजादात कीजिए। एक इजाद आपको इन सब लोगों से मोतबर कर जाएगी, और बजाय इसके कि आप ललकार कर किसी को डराने लगे, आप अपनी इजाद से डराने का तरीका ढूंढिए, तभी डरेंगे। मैं आपसे इजाज़त दूंगा, अल्लाह बाबा जी को जन्नतों में आला मकाम अता करे, और हम लोगों को ये उनके फैज से रसूल इश्क में अपनी जान कुर्बान करने की हिम्मत दे। अस्सलाम वालेकुम।